नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। अभी आपकी स्क्रीन पर आप ये चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का सिल्वर का चार्ट है जिसकी एक्सपायरी 3 जुलाई को होनी है। और कल मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी कि सिल्वर जो है वो पिछले कुछ टाइम से एक इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इसका स्लोप अपवर्ड है और ये एक इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रही थी और एक कर्व में इसका एक जो चार्ट्स बन रहे थे वो एक कर्व में बन रहे थे, मतलब ये किसी स्ट्रेट ट्रेंड लाइन को लेकर नहीं थे, ये एक कर्व था यहाँ से अगर हम देखें तो। और वो कर्व जो है वो धीरे 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 वो फ्लैट होके डाउनवर्ड ट्रेंड में होने के लिए हम वेट कर रहे थे। इस एक सेलिंग प्रेशर इसमें कंटिन्यू हम बार बार देख रहे थे कि ये पिछला अपना जो हाई ब्रेक करती है वापस उससे नीचे आ जाती है और फिर धीरे धीरे अपने एक धीमी चाल को लेकर वापस एक पुराना हाई तोड़ती। फिर ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ इसमें हमने हाई बनते हुए देखे, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, फिर ये वाला हाई ब्रेक हुआ, फिर ये हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद ये इस धीमी चाल को लेकर ये वाला हाई ब्रेक हुआ, फिर ये वाला हाई ब्रेक हुआ। तो चाल बहुत धीमी थी और पिछले हाई बार बार ब्रेक हो रहे थे पर वो बहुत ही एक शार्प मूव नहीं दिखा रहे थे अपसाइड में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे एक लेवल था 49550 का, वो उससे पहले कहीं पर भी इसमें बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता था। तो किस लेवल पे आप इसमें फंस सकते हैं वो एक चिंताजनक बात हो सकती थी। तो ऊपर के लेवल में वो लेवल कोई भी हो सकता था क्योंकि ऑलरेडी ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये मैंने आपको बार बार बताया अपने वीडियो में। कल हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा है, पहले गोल्ड ने अपने आप को एक डाउनसाइड, एक मतलब नीचे की तरफ एक लो लगाया, उसके बाद सिल्वर ने कोशिश करी और सिल्वर जो है वो नीचे का लो लगा के नीचे ही सस्टेन कर गई। हालांकि गोल्ड जो है वो फिर भी काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया था। तो सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू हम देख रहे हैं, वो सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा है। गोल्ड अभी अपनी जो एक डायरेक्शन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, नीचे के लेवल भी ब्रेक नहीं कर रहा, ऊपर के भी लेवल ब्रेक नहीं कर रहा उस पर। इसीलिए मैंने पिछले कुछ 2-3 सेशन से मैंने वीडियो बनाया नहीं है क्योंकि वो जब तक वो लेवल अगर वो ब्रेक करने के आसपास होगा तो मुझे ये लगता है कि अब मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि सिल्वर पे अब मैं बात करता हूँ, सिल्वर में मैंने आपको बताया था कि कल 48,120-40 के आसपास एक लेवल चल रहा था इवनिंग में, तो तब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको सेलिंग कर देनी चाहिए। और दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था कि 47,715 अगर ये नीचे में ब्रेक करता है तो आपको अपनी सेलिंग की पोजीशन और ऐड कर देनी चाहिए जिसे आप बहुत जल्दी आप कवर कर लें और आप 48,140 के आसपास जो आपने बेची हुई होगी सिल्वर उसे आप एज इट इज़ आप होल्ड रखें। पता नहीं किस किस ने इस तरीके से कुछ ट्रेड करा भी है या फिर सिर्फ देखा है, पर फिर भी मैं अपनी साइड से एक अपडेट आपको देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ के जो अगर आपको अभी ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो 47,715 पे सेल करिए कि उसमें आप रिस्क में, नहीं उसमें भी आप रिस्क में नहीं है। सिल्वर में बहुत ही अच्छा एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल चुका है। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, या तो आप थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 49550 जो अभी के लेवल से करीब 1800 पॉइंट ऊपर है, 1700 पॉइंट ऊपर है, पर वो स्टॉप लॉस लेवल आपका बहुत ही बढ़िया है। मार्केट डाउन साइड में बहुत अच्छे से आपको दिखा सकता है, हो सकता है आज इतनी सेलिंग ना आए पर सेलिंग के चांसेस आज भी ज़्यादा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज 47,000 का लेवल हमें नीचे में ब्रेक होता हुआ बहुत इजीली नज़र आ जाएगा। पर अगर आप थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम मैं समझता हूँ कि आप अगले 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए भी अगर देख रहे हैं तो वो लेवल आपका ऊपर की साइड में ब्रेक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ऐसा कहीं पर भी चार्ट्स पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि सिल्वर में एक एक स्ट्रेंथ हम बनते हुए देख रहे हैं जो इसे ऊपर ले जाएगी। ठीक है, 47,001 हमने सेल करी थी, 48,130 से मतलब 20 से 40 का एक रेंज चल रही थी जब मैंने वो वीडियो बनाया था। अब पता नहीं किसने कितने पे सेल करी होगी, हो सकता है उससे ऊपर भी करी हो सकता है उससे नीचे भी करी हो, तो मैं इसी लेवल को एक मान लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ कि इस लेवल पे शायद सेल करी होगी। ये दो आपके लेवल हैं जहाँ पर आपने सेल करी है, राउंड अबाउट मैं समझता हूँ कि 47,950 के आसपास का आपका एवरेज निकल बन रहा होगा। तो
अब हमें कुछ इस तरीके से करना है यहाँ पर कि एक अगर आपको बहुत ही इंट्राडे के लिए अगर आप स्टॉप लॉस समझ रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस है 48,251। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा आज का, ठीक है। और जो आप ऊपर की साइड में अगर आप देख रहे हैं, देखिए ये एक छोटा स्टॉप लॉस लेवल है, इसमें आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 48,251 में, हालांकि ट्रिगर होने के चांसेस इसके भी नहीं है। और दूसरा एक सपोर्ट लेवल इसका नज़र आ रहा है 48,735 पे। ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका टाइम फ्रेम क्या है इसे होल्ड करने का। अगर आप बिल्कुल ही आप इस तरीके से देख रहे हैं कि मुझे बस 100-200 पॉइंट नीचे के चाहिए या 300 पॉइंट के आसपास नीचे के चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस लेवल ये ठीक रहेगा। अगर आप और थोड़ा सा ज़्यादा देख रहे हैं कि 47,000 तक के लेवल मुझे चाहिए तो ये आपका बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस लेवल है। देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसे कंसिडर कर रखा है 48,735 को। इस लेवल को सिर्फ अगर आप कोई फ्रेश पोजिशन लेते हैं तो ही आप थोड़ा कंसिडर करें और ये देखें कि मार्केट किस जगह ओपन होता है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको अभी बताना चाह रहा था। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के हम देखते हैं कि 1 घंटे में किस तरीके के चार्ट लग रहे हैं हमें। देखिए यहाँ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड में बनता हुआ जा रहा है और वो उसमें एक सेलिंग हम ज़रूर देख रहे हैं। तो यही था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो। बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।